लोकगीत पर्व उत्सव और एक आध कुछ और बचा होगा। हाँ समारोह कर लेंगे, एक समारोह वो छोटी मोटी अकादमी भी लिख ही लेंगे, टाइम बच गया तो। हाँ लोकगीत ठीक है, चलो लोकगीत में अपन आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आता है भरथरी गायन, भरथरी गीत, भरथरी गीत। भरथरी कौन थे? भरथरी शब्द आया है आपके सामने, कौन है ये? अरे भरथरी आपने ऐसा लिखा होगा, भरत हरी वही थोड़ा सा इनको। हाँ कौन कौन है ये भरथरी नाम? अरे वेरी फेमस कौन है? हाँ उज्जैन के किंग, अपन ने पढ़े थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, उनके बड़े भाई, इनके भतीजे थे गोपी चंद, अपन ने गोपी चंद की गुफाएं पढ़ा था, है ना। इन्होंने संन्यास ले लिया था गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में, मैंने आपको बताया था। तो भरथरी गीत मतलब क्या है? इनकी स्तुति। तो लिखो यह मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है, लिखो यह नाथपंथी समुदाय द्वारा गाया जाता है, या नाथपंथी, नाथ नाथपंथी समुदाय से संबंधित है, नाथपंथी। अब देखो ये उज्जैन के किंग थे भरथरी पुराने, तो ये कहाँ चलेगा? मालवा में। पर ऐसा नहीं है, निमाड़ वगैरह बघेलखंड बुंदेलखंड में भी बहुत फेमस है। लिखो इसमें कबीर मीरा एवं अन्य व्यक्तियों के गीत भी गाए जाते हैं, इसमें कबीरदास मीरा सूरदास रेदास सभी के गाते हैं। आप तो एक दो एग्जाम्पल के लिए लिख लो के गीत गाए जाते हैं भरथरी गायन। वैसे मेन चीज ये याद रखना है भरथरी गायन किस एरिया को बिलोंग करता है, तो मालवा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लिखो हीड़ गायन, हीड़ हीड़ गीत, तो किस एरिया में वो चलते हैं हीड़ गीत? मालवा। लिखो यह मालवा क्षेत्र में गाए जाते हैं, एरिया जरूर ध्यान रखना है, सबके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या? एरिया। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है, अब जैसे अपन ने अभी भरथरी गान की बात करी है गीत की, तो ऐसा तो नहीं है कि मालवा के बाहर नहीं गाना मना, पर मेनली कहां से आते हैं? मालवा से। हीड़ गायन भी मेनली पहचान का की है मालवा। अब देखो इसमें देवी देवता कौन से, मैं लिखवा तो दूंगा पर उनका वेटेज थोड़ा कम रहता है ना। लिखो ये ग्यारस माता के सम्मान में गाया जाता है, ग्यारस माता। ठीक है किसका गाना ये? ग्यारस माता, देवी देवताओं के नाम है, के सम्मान में गाया जाता है। अरे हनुमान जयंती आ गई, हनुमान जी के सम्मान में ऐसी ग्यारस माता के, अपन इतना नहीं जानते अब देवी देवताओं से को। ठीक है अब लिखो ये सामूहिक रूप से गाया जाता है, कोरस है ये ओरिजिनली, सिंगल नहीं। ठीक है ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है ना मेरी, है ना? रोज आया करो, रोज पढ़ा करो, और आप बस पढ़ाई के अलावा कुछ काम मत करा करो, सिर्फ पढ़ाई। 24 घंटे अपने को पढ़ाई के अलावा कुछ याद नहीं रहना चाहिए, व्हाट्सअप व्हाट्सअप सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करा करो। तुमको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे तुम ये अच्छा अंदाज लगा के बताओ मैंने आखिरी बार टीवी कब देखी थी? मैंने मेरी बात करो। हाँ बताओ तुम लोग, बाकी लोग भी बोले। मैं तुमको एक लाइफ का एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, तुम टीवी देखते हो? सालों बीत गए मुझे। देखो क्या मैं तुमको एक बताता हूं काम की बात लाइफ में, है ना, सभी सुने, बाद में इसको एडिट करवा देंगे, क्योंकि क्या कैमरे के डर के मारे मैं तुमको अभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता बहुत सी बातें। क्या हुआ, अचानक एक दिन मैं टीवी देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि मर्सिडीज के, ये करीब 12 साल पुरानी बात है, मर्सिडीज के किसी अधिकारी का इंटरव्यू चल रहा था। सही है, आप भी सभी ध्यान से सुनना, काम की बात है लाइफ की बहुत जरूरी।
देखो 12 साल पुरानी बात है, उससे भी ज्यादा पुरानी। तब बता दूं मर्सिडीज इतनी फेमस थी कि यदि कोई खरीदता था ना तो पेपर में न्यूज आती थी कि इस पर्टिकुलर आदमी ने ये वाली क्लास की मर्सिडीज खरीदी। हाँ मैंने खुद पढ़ा था, काफी पुरानी बात हो गई। उसका इंटरव्यू आ रहा था किसी अधिकारी का, वो तो मुझे याद नहीं कौन थे। तो पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा क्या कि बोले आपका एड टीवी पर नहीं आता है क्यों? वैसे आजकल मर्सिडीज का एड टीवी पर आता है, पहले नहीं आता था 12-14 साल पहले, है कि नहीं? और ये बात सच भी है। अब देखिए उस आदमी ने जवाब क्या दिया, ऑफिसर ने, कंपनी के अधिकारी ने, कि बोले जो लोग हमारी कार खरीद सकते हैं वो टीवी देखते ही नहीं है। समझ में आई बात क्या कहा है मैंने, कि जो हमारी कार खरीद सकते हैं वो टीवी देखते ही नहीं है। अब इसके पीछे का कंक्लूजन क्या, या मैंने आपको क्यों सुनाई बात? मैं टीवी देखने का, फिल्म देखने का विरोधी नहीं हूं। वैसे ये भी है कि यदि तुम दिन भर टीवी मोबाइल नहीं चलाओगे तो बुखार आ जाएगा 2 दिन बाद, अपनी हालत अब ये हो चुकी है। हाँ कंफर्म मालूम है मुझे ये। हाँ मत चलाना, बंद हो, डिस्कनेक्ट हो जाओ मोबाइल से टीवी से, तीसरे दिन 100% बिस्तर पकड़ लोगे, अपनी ये हालत हो चुकी है। अब इसका कंक्लूजन क्या, कि देखो क्या होता है, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नाम या कुछ बनना चाहते हैं ना, वो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमेशा वहां पर अपना टाइम खर्चा करते हैं जहां से उनको कुछ आउटपुट मिले। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं है, टीवी मोबाइल कोई टाइम वेस्ट करने की चीजें नहीं है, पर यह है कि आप उससे कितना क्रिएटिव यूज कर सकते हो। तो आप भी ध्यान रखना इस स्टोरी को, लाइफ में भूलने जैसी चीज नहीं है। वैसे क्या होता है, मैं भी इसलिए टीवी नहीं देखता हूं क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई वगैरह पर ही ध्यान देता हूं, कि ज्यादा से ज्यादा अपन रिसर्च करो, नई नई चीजें सीखो, ऐसा। चलो ठीक है ना, तो आप भी ध्यान रखना, आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, यूट्यूब भी देखे तो पढ़ाई से रिलेटेड, व्हाट्सएप में भी फालतू ग्रुप नहीं। चलो अब अपन आते हैं अपनी वापिस पढ़ाई पर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लिखो, बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता। एरिया जरूर ध्यान रखना है सबके, भृतहरि गायन तो आपको आराम से याद हो जाएगा, भृतहरि कहां से रिलेटेड थे, है कि नहीं? वो तो मालवा से ही रिलेटेड थे, तो उनका गाना मालवा में ही चलेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा हीळ गायन, आराम से याद हो जाएंगे। तीसरा है बरसाती वारना, अगेन रिलेटेड टू मालवा। अब देखो इसमें नाम ही है बरसाती, तो कब गाया जाता होगा? बरसात में, रेनी सीजन में, लिखो बरसात में होता है इसका आयोजन। अब इसकी एक खास बात देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या, किस एरिया को बिलोंग करता है। दूसरा जो इसमें थोड़ा डीप में क्वेश्चन बनता है वो क्या, कि ये चंपू शैली में होता है। व्हाट चंपू शैली? चंपू स्टाइल। नहीं सुना चंपू की शैली, अपन बात कर चुके हैं पहले भी। देखो आपने दो चीजें देखी होगी, या तो पैराग्राफ है ना, या पोयम। अरे सही है ना, पैराग्राफ या पोयम आप दो ही चीजें जानते हैं। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? चंपू स्टाइल। या तो अपनी जो बुक्स होती है, अपन जो पढ़ते हैं, वो क्या होती है? पूरी तरह से पैराग्राफ होते हैं, सही है ना। दूसरी क्या होती थी, जैसे आप रामायण महाभारत इनमें देखो तो सब जगह क्या, श्लोक ही श्लोक है, वर्सेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्सेज। तो दो में से एक कुछ रहता था। चंपू शैली का मतलब क्या होता है, कुछ गाया भी जाएगा और कुछ पढ़ा भी जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये दोनों में एक साथ होता है, सिंगिंग भी है और पैराग्राफ भी है इसमें। तो ये लाइन याद रखना, बिलोंग करता है मालवा एरिया को। चलो अब आता है नेक्स्ट, लिखो संझा गीत, संझा। देखो इसके लिए करेक्ट वर्ड आता है संझा, ये झा झंडे वाला है, बहुत जगह से संझा लिखा हुआ है, संझा करेक्ट वर्ड नहीं है। हाँ वो तो हमारा बोलने में हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब है, उसकी बात है, संझा होता है करेक्ट वर्ड। सब बुक्स में नोट्स में आप देखोगे संझा संझा लिखा हुआ है, संझा नहीं है, संझा। अब देखो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है एरिया वाली की, इसको टिक करना बहुत सोच समझ के। वैसे ये एमपी में भी है, मालवा में भी है, निमाड़ में भी है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, यूपी, वो बल्कि एमपी से ज्यादा तो इसको मनाया कहां पर जाता है, यूपी वगैरह में। मैंने भी इससे रिलेटेड जो फेस्टिवल होते थे आज से 15-20 साल पहले देखे, और शायद आपने तो शायद ही देखे हो। क्या होता है संझा में,
लड़कियों को तो मालूम होना चाहिए लड़कियों का ही त्यौहार है, लड़कों का तो बल्कि नहीं हो तो ठीक है। हाँ, दीवार के ऊपर अलग अलग गोबर से फूल पत्तियों से डिजाइन बनाई जाती है, फिर बाद में उसको गाना गाते हुए नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये प्रथा मैंने इंदौर में तो 20 साल पहले देखी थी, 21 साल से तो कुछ भी देखा ही नहीं है, पर हाँ अपने से ज़्यादा कहाँ चलता है ये अभी बुंदेलखंड यूपी में। तो इसमें एरिया बहुत सोच समझ के लगाना, ये आज की तारीख में प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है, बुंदेलखंड में, पर मालवा में भी चलता है ये, ऐसा नहीं कि मालवा में नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट ये तो एरिया लिख ही लो, सारे एरिया, सब एरिया है इसमें, बघेलखंड, बुंदेलखंड, यूपी, एमपी, मालवा, निमाड़। और ये क्या होता है, लड़कियों से रिलेटेड होता है। लिखो इसमें लड़कियां फूल पत्ती गोबर इत्यादि से सुंदर आकृतियां बनाती हैं। ये अच्छी शादी के लिए होता है, लड़कियां ये प्रेयर करती कि हमारी अच्छे से शादी हो जाए। हाँ हाँ, यही सच है इसका, लड़कियां थोड़ा ध्यान से सुन ले ऐसी बातें, हाँ काम आ जाए कहीं। संध्या गीत, चलो अब आ लिखो निर्गुणी गायन, निर्गुणी, निर्गुणी गायन, निर्गुणी गीत, तो पर्टेनिंग टू मालवा, मालवा से संबंधित है इसका बहुत महत्वपूर्ण दूसरी लाइन ही आती है, एक तो मालवा से रिलेटेड है ये, तो इसको बोलते हैं नारदीय भजन। नारद, नारद का आपने नाम सुना होगा ना धार्मिक ग्रंथों में, नारदीय भजन भी कहा जाता है। बस दूसरी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दो ही लाइनें काम की है। अब तीसरा एक और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वैसे मालवा के तो मेनली इतने ही है जो लिखवा है, अब चाहो तो हेडिंग डाल लो बघेलखंड के। सबसे पहला आता बहुत इंपॉर्टेंट बासदेव गीत, तो बघेलखंड में प्रचलित है ये ध्यान रखना, हाँ काफी महत्वपूर्ण लाइन है, बासदेव कहाँ चलता है गीत, ये बघेलखंड में। बघेलखंड आप समझते ही हैं रीवा और आसपास का एरिया। अब इसमें दो तीन छोटी मोटी बातें, कौन लोग गाते हैं, मोस्टली हरबोले, हरबोले जाति, हरबोले, हरबोले जाति। और ये कब गाया जाता है, मेहमान के सम्मान में, मेहमान घर आते हैं तो हरबोले जाति के लोग उनको सम्मानित देने के लिए क्या करते हैं, गीत गाते हैं, धार्मिक गीत, तो वो क्या कहलाते हैं, बासदेव। वही वही बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वही वाली जाति की बात है। आप तो लिख लो हरबोले जाति द्वारा गाए जाते हैं, कब, मेहमान के सम्मान में। वो सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने बुक पढ़े वो पढ़ी होगी ना, खूब लली मर्दानी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है, तो ये वही हरबोले जाति का नाम है जिसका वर्णन किसने करा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है ना। बघेलखंड से रिलेटेड ये जरूर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लिखो बघेलखंड में बासदेव, अच्छा बासदेव लिखवा दिया, दूसरा लिखो बिरहा, बासदेव हो गया बिरहा, बिरहा मतलब क्या, थोड़ा चेंज हो गया शब्द, ये शब्द क्या है, विरहा, विरहा क्या होता है, बिछड़ना, आइसोलेशन, कि आप अपने घर परिवार का से दूर हो जाएं, तो बिरहा मतलब विरहा गीत, ऐसा। तो कोई आदमी अकेला है, फैमिली से कहीं दूर है, तो वो जो गाने गाएगा वो क्या होगा, बिरहा गीत। लिखो यह जंगलों में सुनसान अकेले में गाए जाते हैं, और लिखो यह सवाल जवाब के रूप में होते हैं, सवाल जवाब। वैसे बघेलखंड याद रखना, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बसदेव किस एरिया से रिलेटेड है, बिरहा किस एरिया से रिलेटेड है। मैं आप बहुत सारे हैं वैसे तो बघेलखंड के, 25-30 से ऊपर निकल जाएंगे सारे लिख लेंगे तो, पर अपन वो लिख रहे हैं जो एग्जाम में बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लिखो विदेशिया, विदेशिया बघेलखंड, बासदेव का, बिरहा का, विदेशिया का, तीनों का एरिया बघेलखंड। अब विदेशिया में भी वही आपको कुछ दिख रहा होगा, विदेश है कि नहीं, विदेश मतलब क्या, वही आइसोलेशन वाली स्टेज की, आप घर परिवार से दूर है, तो लिखो इसे भी सुनसान स्थान अकेले में गाया जाता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के लोकगीत, तीन चार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है तीन चार, एक तो आप नाम से ही अंदाजा कर सकते हैं परीक्षा में, आल्हा खंड, आल्हा खंड,
आला उदल आपने नाम सुना होगा ना, आला उदल परमार्दी देव के सेनापति पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने हराया था जिनको। तो आलाखंड जो है 1000 साल पुराना ग्रंथ है और ध्यान में इसको लिखा कहीं नहीं गया है, इसकी राइटिंग नहीं हुई है, सिर्फ लोगों को याद है ये 1000 साल पुराना लंबा चौड़ा ग्रंथ है ये, है कि नहीं, ध्यान रखना इसको। तो आलाखंड, अब इसमें क्या होता है, जो आल्हा और उदल थे उन्होंने ढेर सारी लड़ाइयां लड़ी, ऐसा बोला जाता है अबाउट 52 युद्ध करे थे, किसने, आल्हा और उदल ने। तो उनके शौर्य का वर्णन है ना, ठीक है ना, लिखो आलाखंड में आल्हा और उदल के शौर्य का वर्णन है, और एरिया लिख लो ना बुंदेलखंड, एरिया नहीं भूलना है किसी में भी, बुंदेलखंड। और क्या गाया जाता है इसमें, आल्हा और उदल का प्रेयर है, आप जानते होंगे आल्हा उदल को। तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट लिखो, बांबुलिया, फाइट करी थी, युद्ध लड़े थे, अरे इतना मत लिखो, मैंने आइडिया के लिए बताया है, बस आला उदल के शौर्य का वर्णन है। अब बांबुलिया, पर्टेनिंग टू अगेन बुंदेलखंड, बांबुलिया यह भी बुंदेलखंड से संबंधित है, इसको बोलते हैं भोला, भोला गीत इसी का दूसरा नाम, या लमटेस, लमटेस तीन नाम है, लमटेस। बांबुलिया, भोला, लमटेस, इसके तीन नाम हैं। एरिया ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तो लाइन जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, किस एरिया को बिलोंग करता है, बुंदेलखंड। अब इसमें शिव पार्वती की आराधना होती है, पर्टेनिंग टू शिव पार्वती, पर्टेनिंग टू शिव एंड पार्वती। नेक्स्ट लिखो बेरायता, बेरायता गायन, बेरायता गीत, बेरायता, और अगेन पर्टेनिंग टू बुंदेलखंड। नेक्स्ट लिखो देवासी, देवासी गीत, देवासी। अब देखो इनमें कौन कौन से देवी देवता हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को मेन तो एरिया याद रखना है, तो अगेन बुंदेलखंड। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट, जगदेव का पुवारा, जगदेव का पुवारा, तो अगेन बुंदेलखंड, बस इतना ही नोट कर ले, बुंदेलखंड से संबंधित है, पर्टेनिंग या रिलेटेड टू बुंदेलखंड। देखो इतने नाम मिनिमम याद करना, हाँ इससे कम नहीं, बड़ी मुश्किल से क्या है, कौन सा गाना किस एरिया का है, क्या होता है, बड़ा मुश्किल से अरेंज होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग मामले रहते हैं, बाकी आपको मतलब क्या बता दिए, है ना, इससे ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कम से कम प्री में। तो अब आ जाओ जनजाति है, ट्राइब्स, दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्राइब्स से रिलेटेड में, पांडवनी, पांडवनी गीत, सुना ये शब्द कभी, काफी फेमस है ये पांडवनी गीत, नहीं सुनने में आया, ऑनलाइन वाले बोले आपको आया कभी सुनने में कुछ पांडवनी गीत, ये वैसे एमपी से ज्यादा छत्तीसगढ़ में चलता है, जब छत्तीसगढ़ एमपी में था तब ये बहुत फेमस थे, इसकी एक बेहद फेमस कलाकार हैं तीजन बाई, इनका नाम याद रखना, तीजन बाई, इनका नाम बिल्कुल मत भूल जाना, जरूरत पड़ सकती है। इसमें क्या महाभारत की स्टोरीज को सुनाया जाता है, तो तीजन भाई उसमें बहुत एक्सपर्ट है, इन्होंने बहुत शो करे गवर्नमेंट के कहने पे, और ये शैली है, पर ध्यान रखना ये जो है पांडवनी ऐसा नहीं है
कि कोई पर्टिकुलर एक एरिया में फेमस है काफी ज्यादा, ये एमपी यूपी छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड बघेलखंड में, तो इसको वैसे ट्राइब में लिख लो, ट्राइब में जनजातीय पांडविनी, और लिख लो ये गोड आदिवासियों से संबंधित है, गोड ट्राइब। नेक्स्ट लिखो रेलो गीत, रेलो रेलो गीत, रेलो गीत लिखो, यह भील और कोरकू जनजातियों में गाया जाता है, भील एंड कोरकू। ट्राइब के नाम याद रखना, यहां पर वेटेज काय का बढ़ गया कि किस ट्राइब में, जैसे पांडविनी काय में है गोड़ में, तो रेलो है भील और कोरकू में। एक और लिख लो, चलो ठीक है, और इससे ज्यादा रहने तो बहुत सारे यार, फिर तो इतने पर्याप्त है अपने लोकगीतों में, इतने पर्याप्त है। अब आ जाते हैं अपन प्रमुख पर्व और उत्सव पे। अब एक छोटी सी बात, पर्व क्या होता है और उत्सव क्या होता है? पर्व का सीधा मतलब होता है डेट, हिंदी में बोलेंगे तो अपन क्या हो गया डेट, और किसी पर्व पर मनाया जाने वाला उत्सव, मनाई जाने वाली खुशियां क्या हो गई उत्सव। पर्व का मतलब होता है सीधा डेट, दिन, ये ध्यान रखना, और इसी के आधार पर हमको पता चलता है सभी। तो यहां पर वैसे पर्व और उत्सव में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्सव मतलब क्या, हम खुशी मना रहे हैं, प्रसाद बांटना, भोजन हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है, तो वो क्या हो गया उत्सव। और ये कब होता है? किसी पर्टिकुलर पर्व पर, किसी पर्टिकुलर डेट पर। अरे आप रामनवमी रोज थोड़ी मनाते हो, फिक्स है ना उसका सब कुछ कि कब आएगी रामनवमी, सुयस के मेले कब लगेंगे और उस दिन क्या क्या ओकेजन होगा, तो इसको क्या समझ लो आप, उस दिन जो जो वर्क किए जाते हैं वो क्या हो गया उत्सव, पर्व क्या हो गई डेट, है ना। तो अपन वो लिखेंगे जो आपको शायद याद ना हो। अरे दिवाली कब होती है, क्या होता है, ये तो तुम वैसे ही समझते हो, होली वगैरह, थोड़े जो बहुत ही दूर दराज के हैं जो अपन भूलते चले जा रहे हैं वही लिखना है अपने को, जिससे आपको याद रहे। तो पहला पर्व उत्सव में लिख लो सांझा, कहाँ चले गए ये, नहीं काटो, हाँ चलो अच्छा संझा लिख लिया, लिखो यह युवतियों द्वारा मनाया जाता है, युवतियों द्वारा मनाया जाता है। लिखो इसमें गोबर, झाड़, झाड़ियां, हाँ पर्व में भी आएगा ना, इस पर्व में भी आएगा, गीत भी है वो, पर्व भी है, लिख लो कुछ नहीं, एक ही चीज है। ये बोल रहा अभी तो अपन ने लिखा, अरे सही है लिखा, अभी एक छोटी सी लाइन तुम्हारे खुशी के लिए मैं अलग से कर देता हूँ। देखो इसमें अपन ने क्या लिखा कि गोबर वगैरह झाड़ियों से क्या करा जाता है, फूलों से डेकोरेटिव चीजें बनाई जाती है, और स्पेशली क्या करा जाता है, नींबू, नींबू की डाली को स्पेशली सजाया जाता है, और फिर उसको नदी में गाने गाते हुए विसर्जित कर दिया जाता, तो ये क्या हो गया एक त्योहार का, ठीक है। लिखो झाड़ियां, फूल इत्यादि से सुंदर आकृतियां बनाई जाती है, विशेषकर नींबू, लेमन, यानी स्पेशली रहता है कि आपको नींबू की इसमें झाड़ी जरूर चाहिए, फिर उसको अच्छे से डेकोरेशन करके और नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, सही है। कौन पूछ रहा था, विनीत कौन पूछ रहा था, समझ में आ गया, थोड़ा सा अंतर क्रिएट कर दिया आपकी खुशी के लिए, और कुछ नहीं है, तो वही गाना भी होगा इसी दौरान, संझा गीत हो गए, चलो संझा हो गया, ठीक है। अब लिखो अगला गंगा दशमी, ये छोटा सा अलग है, गंगा दशमी, किसी को मालूम है गंगा दशमी के दिन क्या, थोड़ा सा आइडिया, जैसे बोल रहे हैं लोग कि सुना तो है हमने बहुत, क्या
अरे यार दाल बाटी बनाते हैं उसका क्या करें, बना लो कुछ और जो चाहिए। वैसे देखो इसका यू रहता है अपने क्या है? अभी इधर नदियां नहीं है, जहां पर नदियां होती है ना वहां पर इसका ज्यादा क्रेज रहता है। वैसे ध्यान रहा ये त्योहार डायरेक्टली किसी भी फेस्टिवल या उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। इस दिन क्या करते हैं लोग, हाँ मंदिर वगैरह जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन विद फैमिली पिकनिक मनाते हैं नदी किनारे जाके। ये किसी भी धार्मिक त्योहार से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान ना। गंगा दशमी का एक थोड़ा सा बाकी त्योहारों से अलग है। अरे जैसे मान लीजिए रामनवमी आई तो लोग व्रत भी रखेंगे, सही है ना, फिर सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं है, गंगा दशमी नाम जरूर है लेकिन ओरिजिनली क्या होता है, एक प्रकार से फैमिली के साथ पिकनिक मनाते। और मोस्टली ये कहां पर होता है, जहां पर नदियां हो उस दिन वहां पर, या उन एरियो में ज्यादा मनता है, बिहार में, यूपी में, ठीक है ना। लिखी लो, इसमें दो लाइनें हैं छोटी छोटी सी, लिखो यह धर्म से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, धर्म से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। इसमें परिवारों द्वारा नदियों के किनारे पिकनिक का आनंद लिया जाता है। एक और लिख लो नेक्स्ट, हरेली ठीक है, लिखो मालवा में ऐसे हरिया गोधा कहा जाता है, हरिया गोधा। इस दिन किसानों द्वारा हरिया गोधा, इस दिन किसानों द्वारा, ये किसका है, फार्मर्स का फेस्टिवल है। हरे इस दिन किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की पूजा की जाती है। हाँ बोले क्या, हाँ ये भी ऐसा नहीं है, अलग अलग एरियो में मनाते हैं। अपन ने लिखा मालवा में, अब आप बता रहे हो विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, कहां पर, अब जैसे एमपी में तो विश्वकर्मा जयंती, हाँ कर सकते हैं अपने अपने कर सकते हैं, क्यों नहीं। जैसे विश्वकर्मा जयंती आप बोल रहे हो तो एमपी में तो बिल्कुल इसका सेलिब्रेशन नहीं होता, पर बिहार जब मैं एक बार घूमने गया था तो मैं इसी दिन गया था, तो वहां तो बड़े जोर शोर से जुलूस निकल रहे थे। तो ऐसा ही है, हम अलग अलग एरियो में मना लेते हैं। बस आप तो इतना ध्यान रखना हरिया गोधा या हरेली में क्या होता है, किसानों का त्यौहार और कृषि यंत्रों की पूजा, बस किससे पर्टेनिंग है। इसमें देखो मैंने एरिया नहीं लिखवाया आपको, मैंने थोड़ी बोला कि एमपी में मालवा में, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं। चलो एक और लिख लो नीरजा, नीरजा आपने सुना व्हाट, नीरजा निर्जा क्या, बहुत पिक्चर है, तुम देखना बंद करो, मैंने इसीलिए अभी बोला ही था, ये लेट आया इसलिए इसको नहीं पता। नवरात्रि सीधे शब्दों में बोले तो निर्जा, नौरता, नवरात्रि, आपको पता नहीं इसमें बहुत कठोर व्रत रखना पड़ता है, बिल्कुल निर्जल। हाँ लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए रहता है वही, उसी का दूसरा नाम। हाँ क्या बोल रहे हैं प्रमोद, क्या, हाँ तो उसी का दूसरा नाम, वही तो सिनोनिम समझो, तो वही नीरजा, नवरात्रि, नौराता, इसका एक और भी नाम है। नवरात्रि बोल दो आप, नौराता। चलो अब देखो तुमको थोड़ा थोड़ा क्या नया पुराना याद आ रहा है सबको, अब देखो अगले वाले पे बिल्कुल कुछ याद नहीं आएगा। अगले फेस्टिवल का नाम लिखो मेघनाथ, हाँ अगले फेस्टिवल का ही नाम है मेघनाथ। अब ये शब्द सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, किससे रिलेटेड होगा ये, अरे
नहीं, क्या बोल रहा है? नहीं, अरे मेघनाथ किसका प्रमुख देखा अपन, तीन चार बार पढ़ चुके कोरकू। अरे अपन ने कितनी बार पढ़ा कोरकू ट्राइब का प्रमुख खुद, लेकिन ये कौन मनाती है कोरकू ट्राइब। अब देखिए अलग अलग लोग ऑनलाइन में बोल रहे हैं कि भाई यहां मनता है वहां मनता है, सीधी बात है कोरकू ट्राइब जहां होगी वो मनाएंगे। और ये वैसे मनाया जाता है दिवाली पे, काफी लंबा चलता है ये। मेघनाथ उनका प्रमुख देवता है, कोरकू ट्राइब से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट, अगला भी आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, लारू काज। लारू काज ये ट्राइब के हैं भाई, अपन उनकी जमीन पे रह रहे हैं ट्राइब के लोगों की, तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा। लारू काज काय की हंसी आ रही है बताएं? हाँ क्यों हंस रहे हो बताओ, अरे बोलो जल्दी। लारू काज बस इतना लिख लो, पर्टेनिंग टू गोड़, गोड़ ट्राइब से रिलेटेड है। बस इतना ही लिखवाना है मुझे, मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं ओरली। ये मनाया जाता है नारायण देव के सम्मान में, नारायण देव भगवान विष्णु में समझ लेना है ना, अलग। इसके अंदर ट्राइब के लोग जो है पिग सुअर की बलि देते हैं, ऐसा रहता है। तो अपन डिटेल तो नहीं लिख रहा, बस गोड ट्राइब से रिलेटेड लिख लो, इतना पर्याप्त है। तो लारू काज बस इतना ही पूछेगा काय से रिलेटेड है, गोड ट्राइब। और भी बहुत सारी बातें हैं वो सब छोड़ो, अपन नहीं ज्यादा पढ़ते। अब लास्ट लिखो आखा तीज। अरे ये तो सुना होगा आखा तीज, तो काफी कॉमन है ये, तो अभी भी बहुत लोग मनाते हैं। अक्षय तृतीया लिख लो। हाँ क्या बोल रहे हैं बोले हैं? अरे बहुत जगह फेमस है अक्षय तृतीया पे, नहीं बाकी जगह पर भी है, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, अक्षय तृतीया तो बहुत बड़े लेवल पे मनती है, अक्षय तृतीया कहा जाता है। ठीक है लिख लिया ये, एक और लिख लो। यह पर्व काय से रिलेटेड? अच्छा ये बताओ किससे रिलेटेड है? अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है? मैरिज, वही तो बोल रहा हूं पर्टेनिंग टू मैरिज, बिना मुहूर्त के भी शादी करते कि नहीं, लिख लो यह पर्व विवाह से संबंधित है। हाँ तुम भी ध्यान रखना है, डेट मिल गई अपने को एक कि नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई ना अभी। अक्षय तृतीया विवाह से संबंधित हो तो कोई जैसे बोल रहा है कि इस एरिया में मनाते हैं उस एरिया में, ऐसा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे मनता अक्षय तृतीया तो, लगभग होल एमपी यूपी बुंदेलखंड राजस्थान गुजरात इवन। चलो अब अपन आ जाते हैं समारोह पर, मतलब अपनी एमपी गवर्नमेंट कौन कौन से महत्वपूर्ण समारोह करवाती है। देखो इसकी बेहद लंबी लिस्ट है ना, बाकी सारे आप हाँ इवेंट्स लिख ले। तो देखो ढेर सारे एमपी गवर्नमेंट करवाती है, अपन वो लिख लेंगे जो 10-5 महत्वपूर्ण है, बाकी देखो सब नोट्स में लिखे हैं, आप वहां से याद कर लेना। यहाँ पर कुछ समझाने समझाने की बात नहीं है, सिर्फ जो पुराने रिपीट हुए 10-5 में आपको उत्ते उत्ते लिखवा दूंगा है ना। सबसे पहले तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट मालवा उत्सव। हाँ कहाँ होता है मालवा उत्सव? ध्यान से ध्यान रख लें जरा, मालवा उत्सव लिखो, इंदौर उज्जैन मांडव। इंदौर उज्जैन मांडव तीनों जगह आयोजित होता है। कभी आपने इसको देखा है, कभी सुनने में आया इससे पहले? इसके बारे में कुछ सुनने में आया क्या? हाँ ऑनलाइन वाले बताएं, आपने कुछ सुना इसके बारे में मालवा उत्सव? अरे इसमें इनविटेशन बट्टे पेपर तक में आता है सीएम के फोटो के साथ कि यहाँ पर ये वेन्यू है और ऐसा ऐसा ओकेजन होगा।
पहले मैं एक राजबाड़ा की कोचिंग पर पढ़ाता था तो पूरे राजबाड़ा पे सजा देते थे, मालवा उत्सव के इतने पोस्टर लगाती थी गवर्नमेंट। तो बहुत बड़े लेवल पर ये मनाती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और जैसे अब आपको पता चले ना तो इसमें जाना जरूर, कुछ ना कुछ देखने, अच्छे कार्यक्रम होते हैं। कल मैं बोल ही रहा था आपको कि सिर्फ व्हाट्सअप के बाहर बहुत बड़ी दुनिया, ये कभी आपको पेपर में दिखे तो आप जाना जरूर, देख के आना मालवा उत्सव वगैरह। अब आपके शहर में हो रहा है तो देख ही लेना, मांडव में, उज्जैन में। चलो और लिख लो, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1951 से चल रहा है, एक लाइन और लिखी लो। मालवा उत्सव चल रहा है कब से, 1951 से, जब एमपी नहीं था इसीलिए अपन ने डेट लिखी है। अरे एमपी नहीं था ना जब, 51 में एमपी नहीं था मध्य प्रदेश। चलो अब आता दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट, खजुराहो नृत्य समारोह। ये तो सुना ही होगा, कहां होता है ये, खजुराहो में। इस बार कोरोना के कारण बहुत दिक्कत आई थी, ये ध्यान रखना। इस बार अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, विदिन ए मंथ बहुत इसकी न्यूज आई। आपने अब ध्यान नहीं देते होगा, अब आगे से ध्यान रखना।